साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त कालू माली। साथियों, मोबाइल की स्क्रीन पर जो आप तस्वीरें देख रहे हो, पुलिस थाना पचपदरा की तस्वीरें दिखा रहा हूं। अब बालोतरा के पुलिस अधीक्षक कुंदन कवरिया के निर्देश पर पचपदरा थाना द्वारा टॉप 10 वांछित मुलजिम मनीष नाथ को किया गिरफ्तार। हत्या के प्रयास प्रकरण में 5 माह से चल रहा था फरार। अब बालोतरा के एसपी ने प्रेस नोट जारी कर बताया, 21/5/2024 को सिद्धार्थ राज ने इलाज भर्ती मेडी प्लस हॉस्पिटल जोधपुर में पर्चा बयान में बताया कि दिनांक 20/5/2024 को मनीष नाथ वगैरह 5-6 जनों ने मेरे साथियों निखिल, ध्रुव और वरुण के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। लकड़ी के डंडों से जान ताबड़तोड़ मारपीट करनी शुरू की। मारपीट में मेरे सिर पे 3-4 डंडे मारे तथा मेरे साथियों निखिल, ध्रुव और अरुण के साथ भी मारपीट की, गंभीर चोटें आई वगैरह। पर्चा बयान में प्रकरण संख्या 192 दिनांक 22/5/2024 को धारा 341, 323, 143, 307 में मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की है। 5 माह बाद आज मनीष नाथ को गिरफ्तार किया है। चलो पचपदरा एसएसओ से बात करते हैं, जानकारी लेते हैं। श्रीमान पुलिस अधीक्षक बालोतरा के द्वारा चलाए जा रहे वांछित अपराधियों की धरपकड़ अभियान के दौरान कल मुलजिम मनीष नाथ और मनीष पुत्र सोहन नाथ निवासी पचपदरा को गिरफ्तार किया गया। घटनाक्रम इस प्रकार से है कि मुलजिम मनीष नाथ और उसके साथियों ने गैस की पाइपलाइन कंपनी के कर्मचारी सिद्धार्थ राय के साथ मारपीट की थी, जिस पर प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान किया गया। बाद अनुसंधान मुलजिम मनीष नाथ को गिरफ्तार किया गया।